हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई जो कि ट्यूब में होती है। वो कंटिन्यू नहीं की गई क्योंकि ट्यूब फट सकती है, तो उसको कंटिन्यू नहीं किया जाता। और फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी हुई और मेरे दो बेटे हैं। और उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, मुझे बहुत बार ये ना क्वेश्चन आता है कि मैम, जो हम IVF वाली प्रेगनेंसी हमारी होगी, क्या वो नेचुरल प्रेगनेंसी जैसी ही होगी? इसमें कोई फ़र्क तो नहीं होगा? हम सोच रहे हैं ना IVF करवाने का। तो नो डाउट, जब मैं 2014 में जब मेरा IUI फेल हुआ, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि अब आपका IVF होगा। तो मैं तब ये सोचती थी कि जो एम्ब्रियो बनाते हैं उसको ना ऑपरेट करके आपके यूट्रस में रखा जाता है और बेबी बन गया और उसमें रख दिया, मैं ऐसे समझती थी। लेकिन जब फिर इस प्रोसेस को करवाना था, तो फिर देखा, डॉक्टर से मिले, पूछा, बातें हुई और फिर खुद का हुआ IVF, तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जब नेचुरल प्रेगनेंसी होती है तो वो क्या उसका है, प्रोसेस क्या है? जैसे जो स्पर्म होते हैं हमारी वजाइना में गिरते हैं, फिर वो धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में अंडा बनता है। स्पर्म का, अंडे का जो मेल होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, तो उसमें एम्ब्रियो बन जाता है। अब मेरा जो मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, उसमें वो जो एम्ब्रियो ट्यूब में बन गया, वो फिर उसको 5वें दिन के बाद यूट्रस में गिरना होता है। वो मेरा गिरा ही नहीं, वो ट्यूब में ही रह गया और मुझे वहाँ पे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई। और फिर जो यूट्रस में गिरता है वो यूट्रस में चिपक जाता है, वो होती है नेचुरल प्रेगनेंसी। ऐसे होती है नेचुरल प्रेगनेंसी। और जो IVF में प्रेगनेंसी करते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे एग्स लेते हैं, एग्स बनाते हैं पहले, फिर एक छोटा सा ऑपरेट नहीं बोल सकते आप, बोल भी सकते हो, उसको छोटा सा हमारी वजाइना के थ्रू ही उसको एग्स लिए जाते हैं हमारे अंदर से। तो फिर हस्बैंड का स्पर्म, पार्टनर का स्पर्म लिया जाता है और फिर बाहर जो काम ट्यूब में अंदर, नेचुरल प्रेगनेंसी में ट्यूब के अंदर होता है, वो काम बाहर लैब करती है। एम्ब्रियो बनाते हैं, जब एम्ब्रियो बन जाता है फिर उसको दोबारा हमारी यूट्रस में डाल दिया जाता है। यानी कि जो ट्यूब ने काम करना था वो काम लैब ने किया, वो डॉक्टर्स ने किया, वो बाहर हुआ। तो ऐसे बनते हैं एम्ब्रियोज। तो फिर जैसे होता है कि बाहर एम्ब्रियोज, कई बार हमारे दो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, कई बार तीन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, कि डॉक्टर को होता है कि चलो अगर एक सक्सेसफुल ना हुआ तो दूसरा हो जाएगा, है ना, ऐसे। इसलिए तीन एम्ब्रियो तक, हमारे इंडिया में तीन एम्ब्रियो तक ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ये लॉ है। इसके ऊपर नहीं कर सकते, चार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे होता है, नेचुरल किसी के हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन कानूनी तौर पे हमारे तीन एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं अब तक जो रूल है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। फिर जब नॉर्मल, जब हमारी नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, तब जो हमारी बॉडी होती है उसको खुद से ही पता होता है कि हमने एम्ब्रियो बनाया है, वो चिपका है। तो जो हमारी इंटरनल बॉडी होती है वही उसको सपोर्ट करती है, हमें मतलब बॉडी को ही ये साइन पता होता है कि वो इसको सपोर्ट करना है, इसको चिपकाना है और ये सब सारी चीज़ें करनी है। वो उसको 3 महीने तक उसको सेफ रखती है। लेकिन जब हम IVF की प्रेगनेंसी हुई होती है तो यूट्रस को इतना फील, जैसे वो जब यूट्रस पे चिपकेगा, उसके लिए हमें बहुत सारी बाहर से दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो वहाँ पे चिपक जाए, अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि वो प्रोसेस अंदर नहीं हुआ है, वो बाहर हुआ है, तो थोड़ा टाइम उसको लग जाता है। इसलिए वो चीज़ की, जैसे मिसकैरेज ना हो और ऐसी चीज़ें, मतलब भगवान करे ना हो, तो उसके लिए बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमें बाहर से दिया जाता है, ताकि हमारा जो एम्ब्रियो है वो अच्छे से इम्प्लांट हो सके, वो हमारी प्रेगनेंसी जो है वो थोड़ी कंटिन्यू अच्छे तरीके से हो जाए।
इसलिए जब हमारा नेचुरल कंसीव करते हैं उस टाइम पे इतनी दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, लेकिन जब हम IVF या IUI करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन या ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती हैं। फिर जब 3 महीने बीत जाते हैं, जब जो प्लेसेंटा है वो ही चीज़ों को वो ही हम एम्ब्रियो को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है, फिर ये जो बाहर के आर्टिफिशियल जो हमारे प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं उसको डॉक्टर्स जो है वो कम कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन भी लगते हैं वो भी 3 महीने तक लगते हैं ज़्यादातर लड़कियों को, मुझे भी 3 महीने तक लगे थे। लेकिन अगर किसी की ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो, मतलब उनको काफ़ी डॉक्टर को थोड़ा लगे कि इसकी बॉडी को और ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर वो इंजेक्शन्स भी जो हैं वो 9 महीने तक भी चल सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फिट डॉक्टर जब इसीलिए जब हमारा IVF का या IUI की प्रेगनेंसी होती है उसमें जल्दी जल्दी से हमारे अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं ताकि देखा जाए अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है ना, इसलिए डॉक्टर थोड़ा ज़्यादा उसको केयर करते हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी को इतना मतलब इतनी केयर नहीं मैं कह सकती, मतलब इतनी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती जितनी जो हमारी ट्रीटमेंट वाली प्रेगनेंसी होती है उसको होती है। तो फिर जब ये 3 महीने के बाहर बाद जब जो बेबी बनता है, जो उसके अंदर की मतलब उसके पार्ट्स बनेंगे वो बनेंगे, वो तो फिर भगवान ने जो करना है वो ही करना है, जो नेचुरल में करना है वही IVF में करना है, वही IUI में करना है, वो फिर सेम होता है, बिल्कुल भी अलग नहीं होता है, बिल्कुल सेम हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। तो ये होती है नेचुरल प्रेगनेंसी और IVF प्रेगनेंसी। अब आपको पता चल गया होगा कि कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, जो काम अंदर होता है वो ही जो ट्यूब करती है वो काम सिर्फ लैब करती है, बाकी सारा काम उस ऊपर वाले का होता है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी, मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यार आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज कर लो, जल्दी से हमारी YouTube की फैमिली को 10,000 कर दो यार, जल्दी से कर दो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, और ये जरूर बताना कि आप मेरी वीडियो देख कहाँ से रहे हो, Facebook से देख रहे हो या YouTube से देख रहे हो। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।